नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज 24 सितंबर 2019 लाइव कोर्ट अपडेट। दोस्तों लंच के बाद बहुत ही ज्यादा दोस्तों जोरदार बहस आपको देखने को मिली। सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ी बात, एजी साहब ने एक गेम चेंजर बात कही। क्या कहा उन्होंने दोस्तों? नियम बदला तब माना जाता जब रिजल्ट जारी हो जाता। अगर कोई छेड़छाड़ होती, पासिंग मार्क सभी के लिए बिना रिजल्ट देखे लगाई गई। एजी सर, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक बड़ी बात कही जिससे दोस्तों 60 और 65 की जीत पक्की हो सकती है। कि मतलब कि दोस्तों पासिंग मार्क आपका तय, जब देखिए होता क्या है ना, अगर आपका एक बार रिजल्ट जारी हो जाता दोस्तों, उसके बाद सरकार जबरदस्ती करती कि नहीं पासिंग मार्क बदल कर 60-65 करती दोस्तों, तब आपकी कट ऑफ चेंज होती, तो उसको छेड़छाड़ माना जाता। लेकिन दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट हो सकती है आप लोगों के लिए। और दोस्तों उसके बाद क्या कहा उन्होंने, जिसको भरा मिल रहा है उसी ने कटाप को चैलेंज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जिनको पहले से 25 अंक का भारांक दिया जा रहा है, जो लाभ में वही और लाभ मांग रहा है, ऐसा दोस्तों एजी सर बोलते हैं। फिर दोस्तों क्या उन्होंने कहा, जब हमें भारांक देने का अधिकार है तो कटाप लगाने का अधिकार भी हमें, सब कुछ किसी विशेष पक्ष को ही नहीं दिया जा सकता, इसमें अन्य प्रकार के अभ्यर्थी भी हैं। तो दोस्तों आज की जो बहस हुई जोरदार, आपको दोस्तों पूरी वीडियो इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, लंच के बाद का भी, लंच के पहले का भी। सबसे पहले दोस्तों आप लोग लंच के बाद का देखिए, उसके बाद लंच के पहले क्या हुआ, सब कुछ आज जानिए। और दोस्तों आज की जो बहस हुई सच में बहुत ही जोरदार हुई है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है आप लोगों का, कि लंच के बाद ठीक है पुनः महाधिवक्ता समेत पूरा पैनल कोर्ट रूम में आता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग की सुनवाई पुनः शुरू हो जाती है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपके एजी साहब बहस करते हुए, जी हाँ दोस्तों आज सब कुछ एजी साहब ही कर रहे हैं। फिर दोस्तों एजी साहब मारवाड़ के ऑर्डर पर बहस करते हुए, ठीक है दोस्तों। फिर टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए मारवाड़ केस का रेफरेंस भी महाधिवक्ता जी के द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि सरकार पहले ही बता चुकी है कि समय समय पर पासिंग मार्क निर्धारित किया जाएगा एजी साहब। तो दोस्तों एजी साहब क्या कह रहे थे कि सरकार के पहले से मतलब बताया जा चुका है कि जब भी सरकार चाहेगी समय समय पर पासिंग मार्क सरकार बदल सकती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, महाधिवक्ता पक्ष रख रहे हैं सरकार की तरफ से, राघवेंद्र सिंह पक्ष रख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो आपके महाधिवक्ता जी हैं वो राघवेंद्र सिंह की तरफ से सरकार का पक्ष रखते हुए दोस्तों फिर क्या होता है, एजी साहब प्रत्येक पैरा को बेंच को समझा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी चीज को एजी साहब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं बेंच के सामने। बेंच को अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, इस समय तक बेंच ने उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना, ना तो कोई दोस्तों क्रॉस सवाल हुआ, बेंच अभी भी संतुष्ट नजर आई। जी हाँ दोस्तों, इस समय तक जो आपकी डबल बेंच थी पूरी तरीके से एजी साहब से संतुष्ट दिखती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, नियम बदला तब माना जाता जब रिजल्ट जारी हो जाता। जी हाँ दोस्तों, ये आपका गेम चेंजर पॉइंट बना, तब अगर कोई छेड़छाड़ होती या पासिंग मार्क ठीक है सभी के लिए बिना रिजल्ट देखे लगाई गई। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगर कोई नियम तब बदला माना जाता है जब रिजल्ट जारी हो जाता। जी हाँ दोस्तों, अगर रिजल्ट जारी होने के बाद सरकार जबरदस्ती अगर आपको दोस्तों पासिंग मार्क बदलती, तो मान सकते थे दोस्तों कि इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई। लेकिन दोस्तों यहाँ तक आपका सब कुछ सही नजर आ रहा था। उसके बाद दोस्तों एक और गेम चेंजर पॉइंट आता है। क्या बोला गया, जिसको भारांक मिल रहा है उसी ने कट ऑफ को चैलेंज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसको 25 अंक का भारांक मिल रहा है, जो लाभ में है वही और लाभ मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिनको पहले से ही होता है ना कि 5 उंगली घी में, तो दोस्तों वो और लाभ मांगा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों ऐसा एजी सब बोलते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, कोर्ट का महाधिवक्ता को जवाब। जी हाँ दोस्तों, फिर कोर्ट क्या जवाब देती है महाधिवक्ता जी को, मारवाह का जजमेंट इस केस में को रिलेट नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, मतलब इससे कोई संबंध नहीं रखता मारवाह का केस। फिर के मंजूश्री को भी जस्टिस इरशाद साहब ने किया दरकिनार, बोले प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद नहीं लगा सकते पासिंग मार्क। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए इरशाद साहब ने क्या बोलते हैं, कि अगर एक बार आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है उसके बाद आप नहीं लगा सकते किसी भी प्रकार का पासिंग मार्क। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार 40-45 का पक्ष मजबूत होता है। फिर दोस्तों क्या होता है, जब हमें भारांक देने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं, जब हमें भारांक देने का अधिकार है, 25 अंक का वेटेज दोस्तों कहने की बात है, तो कट ऑफ लगाने का भी अधिकार हमें, सब कुछ किसी विशेष पक्ष को ही नहीं दिया जा सकता, इसमें अन्य प्रकार के भी अभ्यर्थी हैं शामिल। फिर दोस्तों लास्ट में क्या होता है, एजी साहब हमने समानता और योग्यता के लिए यह कटाप लगाया है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद दोस्तों अभी भी आपकी एक जोरदार बहस चल रही है डबल बेंच में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज की जो सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है सभी पक्षों के लिए दोस्तों, चाहे वो 40-45 का पक्ष हो, चाहे वो 60-65 का हो,
दोस्तों आज आपने देखा कि यार एक जोरदार बहस आज आपको देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, भले ही नतीजा कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन आज की आपकी सुनवाई ने कुछ तो दिल तो खुश कर दिया दोस्तों, क्योंकि इतने दिनों से आप देख रहे होंगे कि रोज 2 मिनट 5 मिनट की सुनवाई हो रही थी दोस्तों, लेकिन आज लंच से पहले भी सुनवाई हुई, लंच के बाद भी हुई। तो दोस्तों लंच के पहले की सुनवाई अगर आपने देखी हो, ना देखी हो तो दोस्तों वीडियो के अंत में उसको आप देख सकते हैं, या दोस्तों उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों आगे जी साहब क्या बोलते हैं, इसी भर्ती में 3 तरह के अभ्यर्थी थे, लेकिन उन्हें दिक्कत सिर्फ उन्हें ही है जिनको भरांक दिया जा रहा है, यानी उनको लाभ पर लाभ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एजी सर आपको बोलते हैं कि इस भर्ती में 3 तरह के अभ्यर्थी मतलब शिक्षा मित्र, बीटीसी और बीएड के हैं, लेकिन दोस्तों दिक्कत सबसे ज्यादा उन्हीं को हो रही है जिनको पहले से हम भरांक दे रहे हैं, उसके बाद दोस्तों और उनको लाभ पर लाभ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहने का 25 अंक का वेटेज चाहिए, उसके बाद दोस्तों उनको कट ऑफ में भी छूट चाहिए या सभी को। तो दोस्तों ऐसा पक्ष एजी साहब रख रहे हैं, उसके बाद दोस्तों क्या होता है आइए देखते हैं। दोस्तों बाकी के अपडेट इसी वीडियो के आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, तो दोस्तों उसका थोड़ा वेट करिए आप लोग। लिंक बॉक्स में उसका मतलब कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आपका लंच से पहले क्या हुआ, इस वीडियो को पूरा देखें और जानिए कि लंच से आखिर पहले आपका क्या घटित हुआ था, वहां कैसे आज की पूरी सुनवाई शुरू हुई और कहाँ पर अंत होगी। तो दोस्तों पहले आप लंच से पहले की सुनवाई इसी वीडियो में आप देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लंच के बाद की पूरी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेगा। तो दोस्तों आज की कोर्ट की पूरी अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जाने शुरू से लेके अंत तक। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत कैसे हुई और अंत कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपको 69,000 केस एडिशनल कास्ट लिस्ट में नंबर 1 पर लगा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका केस पास ओवर हो जाता है थोड़ी देर बाद, 12:30 बजे के बाद केस टेकअप होगा, एजी साहब 12 बजे के बाद ही होंगे उपस्थित। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ये हुआ, फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद ये अपडेट आती है कि महाधिवक्ता जी के लिए सरकारी पद से मांगा गया थोड़ा समय, 12 बजे के बाद पूरा केस टेकअप होगा, विभागीय अधिकारी सीएससी सरकार की ओर से मौजूद। फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद आपके एजी सर कोर्ट पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद दोस्तों आपके केस की हुई सुनवाई शुरू, आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों पक्ष अपने आर्गुमेंट देने शुरू करते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपके एजी सर ने जोरदार बहस शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग एजी सर की तरफ से होती है और उन्होंने जोरदार बहस शुरू की। मिनिमम मार्क डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। ठीक है दोस्तों, यही सब बताया गया कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, जो दोस्तों आपके पासिंग मार्क है बिलो देन 50%। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, बेसिक नियमावली पर एजी साहब बोलते हुए, थोड़ी देर बाद आपके एजी सर बेसिक नियमावली पर बोलते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, आपका सरकार को कट ऑफ लगाने का पूरा अधिकार है, ऐसा नियमावली में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए एजी सर भी यही बोल रहे हैं कि सरकार को जो आपका कट ऑफ है उसको लगाने का पूरा अधिकार है, ऐसा नियमावली में लिखा है। फिर दोस्तों क्या होता है, एजी सर बोले सरकार को कट ऑफ तय करने का पूरा अधिकार नियमावली में साफ साफ लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, मिनिमम मार्क डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये सब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने एजी साहब से वही पुराना सवाल दोहराया, परीक्षा के बाद पासिंग मार्क क्यों लगाई, फर्स्ट एग्जाम 40-45। तो दोस्तों बात यही कही गई है कि आपने परीक्षा के बाद क्यों लगाया कट ऑफ, पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट एग्जाम 40-45, ठीक है, वर्सेस यही सब आपका गवर्नमेंट। फिर एजी सर बोले सरकार को कट ऑफ तय करने का पूरा अधिकार नियमावली में साफ लिखा गया है। अब दोस्तों आरटी पर बात करते हुए एजी साहब, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे। अब दोस्तों फिर एजी साहब आपके क्या बोलते हैं कि दोनों परीक्षा पूरी तरह से आपकी अलग है, चाहे वो 68,500 और 69,000। दोस्तों देखिए बात ये हो रही ना कि आपकी जो पहले शिक्षक भर्ती हुई थी 68,500, वहां पर 40-45 कट ऑफ थी, आप सभी को पता है। तो दोस्तों वही बात हो रहा है कि जब 68,500 में 40-45 कट ऑफ थी, तो 69,000 में 40-45 क्यों नहीं लगती, लग सकती कट ऑफ। तो दोस्तों उसी पर मेन आपका डिस्कस आज हो रहा है। फिर दोस्तों क्या होता है, आपका न्यूनतम अंक का मतलब 40% या 45% नहीं, पासिंग मार्क सदैव न्यूनतम ही होता है। ये जी हाँ दोस्तों, कमी होता है, ये महाअधिवक्ता महोदय जी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या पर ये तय किया जाता है कि आपकी जो पासिंग मार्क होगी वो कितनी होगी। और दोस्तों आपकी जोरदार बहस अभी चल रही है, तो दोस्तों बाकी की अपडेट थोड़ी देर में आपको इसका पार्ट 2 दोस्तों मिलने वाला है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और दोस्तों पार्ट 2 की वीडियो सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में पार्ट 2 के साथ, और दोस्तों आप जानेंगे कि आखिर आज की बहस का अंत क्या हुआ।